राधानाथ सिकदर भारत के महान गणितज्ञ थे और उन्होंने ही पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी। लेकिन ये श्रेय अंग्रेजों ने उनसे लूटकर सर जॉर्ज एवरेस्ट को दे दिया, जिन्हें यह जानकारी भी नहीं थी कि दुनिया में कंचनजंगा से भी ऊंची कोई पर्वत चोटी हो सकती है। इसलिए हमने राधानाथ सिकदर को उनका श्रेय दिलाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए #IndiaForMountSikdar पर ट्वीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं किस तरह से राधानाथ सिकदर से उनका श्रेय छीना गया। जैसे आप देख सकते हो ये एवरेस्ट के सामने है। यहां हम हेलीकॉप्टर को लेकर आ गए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जिसने उसका मुकाम दिलवाया, जिसने सारी दुनिया को बताया कंचनजंगा नहीं, अपने नामकरण से पहले पीक 15 के नाम से जानी जाने वाली माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वो नाम आज माउंट एवरेस्ट की तरह बुलंद क्यों नहीं है, इसके पीछे था सफलता और श्रेय की लूट का वो सिद्धांत जो अंग्रेजों के डीएनए में था। और हमें लगता है कि जब किसी से उसका श्रेय लूटा जाता है तो ये एक किस्म का भ्रष्टाचार होता है और राधानाथ सिकदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत के महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी, लेकिन ये श्रेय अंग्रेजों ने उनसे लूट कर सर जॉर्ज एवरेस्ट को दे दिया, जिन्हें यह जानकारी भी नहीं थी कि दुनिया में कंचनजंगा से भी ऊंची कोई पर्वत चोटी हो सकती है। इसलिए जी न्यूज ने राधानाथ सिकदर को उनका श्रेय दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की है और ये मुहिम शुरू की गई है उसी माउंट एवरेस्ट से, जहां तक पहुंचना भी किसी सपने से कम नहीं। यहां पर मौजूद थे तो आप समझिए एक सपना पूरा होने जैसा है। मेरे ठीक सामने एवरेस्ट है। आप देखिए कितने करीब हैं हम एवरेस्ट से। थोड़ा मैं आपको चलकर बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एवरेस्ट के इतने करीब आ सकते हैं। और ये एक जगह है जो ये एवरेस्ट का सबसे करीबी पॉइंट है। इस वक्त हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और इस जगह को कहते हैं काला पत्थर। और जैसे आप देख सकते हो ये एवरेस्ट के सामने है। ठीक आप सामने एवरेस्ट को देख रहे हैं। यहाँ हमारा हेलीकॉप्टर है, पीछे देखिए। यहाँ हम हेलीकॉप्टर को लेकर आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जैसे चलते चलते आपको दिखाता हूँ, आप आते जाएंगे, जब हम और थोड़ा सा वॉक करेंगे देखिए अब हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि मुझे थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये लगभग उतनी ही ऊंचाई है जितनी सियाचिन की है और यहाँ जो टेम्परेचर है वो भी उतना ही है जितना सियाचिन का होता है। अब एकदम हड्डियों में ठंडी हवा अंदर तक लग रही है और इस समय यहाँ टेम्परेचर शायद -10 के आसपास होगा। हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारे आसपास नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज इस जगह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए।
ये माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक नेपाल के ज़रिए जहाँ से हम आए हैं, और इसके पीछे एक और रास्ता आता है, वो चाइना से आता है। और चाइना से क्या, असल में तिब्बत से आता है, लेकिन तिब्बत को चाइना अपना मानता है, इसलिए इसके पीछे का जो पॉइंट है, इस पहाड़ के पीछे, वहाँ से आप चाइना के ज़रिए भी माउंट एवरेस्ट पर आ सकते हैं और यहाँ के ज़रिए भी आ सकते हैं। आज मैं यहाँ आपको खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। माउंट एवरेस्ट से भारत का कनेक्शन जोड़ने वाला नाम है राधानाथ सिकदर, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई सबसे पहले बताई। यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कोलकाता में जन्मे राधानाथ सिकदर ने कैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मापा। राधानाथ सिकदर का जन्म वर्ष 1813 में संयुक्त बंगाल के कलकत्ता में हुआ था और बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने में काफी रुचि थी। उनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प था, वो किसी भी तरह स्कॉलरशिप हासिल कर लें, और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। वर्ष 1824 में कलकत्ता के हिंदू स्कूल, जो आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें उन्हें दाखिला मिल गया। उनका प्रिय विषय गणित था, इसलिए इस विषय की वो पढ़ाई करने लगे। वर्ष 1831 में जब सर्वे ऑफ इंडिया में उन्हें कंप्यूटर के पद पर नौकरी मिली, तब सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। उस वक्त कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, सारी गणनाएं लोग खुद ही किया करते थे। ऐसे लोगों को सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि कंप्यूटर का मूल काम गणना करना ही है। वर्ष 1830 के दशक में सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हिमालय पर्वत श्रृंखला के करीब पहुंच गई। उस समय कंचनजंगा पर्वत के शिखर को ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता था, लेकिन बाद में पीक 15 नाम के पर्वत शिखर की पहचान हुई और इसे मापने का काम राधानाथ सिकदर को सौंप दिया गया। माउंट एवरेस्ट को ही पहले पीक 15 कहा जाता था। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था, 1852 में। और सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने उन्हें ये काम दिया था राधानाथ सिकदर को कि आप जाइए और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप कर आइए। और राधानाथ सिकदर ने इस ऊंचाई को नापा और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में, वो बंगाल के बहुत मशहूर गणितज्ञ हैं थे, जिन्होंने इसकी ऊंचाई नापी। उस समय विदेशियों को नेपाल की सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, इसलिए राधानाथ सिकदर वहां नहीं जा पाए, पर उन्होंने वहां से दूर रहकर एक विशेष उपकरण और गणित में इस्तेमाल होने वाले ट्रिग्नोमेट्री सूत्रों की मदद से पीक 15 की ऊंचाई कैलकुलेट की, और ये ऊंचाई थी 8839 मीटर। राधानाथ एक बहुत क्वालिफाइड मैथमेटिशियन थे। उनका वो जो पोस्ट था, उन पोस्ट का नाम था कंप्यूटर उस दैट टाइम। तो उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके, उस समय 29,000 राउंड फिगर आया था, तो कॉर्नेलवा सोचे थे 29,000 सबको बोलूँ तो सोचेगा एक गोलमोल एक नंबर है, तो शायद ये कोई अंदाज का नंबर होगा, तो 2 फीट और लगा दिया, तो 29,002 फीट बोल के उस समय उन्होंने डिक्लेयर किया इनका। लेकिन राधानाथ सिकदर का जो फेम मिलना चाहिए था वो फेम नहीं मिला। सब ने वो जॉर्ज एवरेस्ट का बारे में बताया सबको, ये पीक एवरेस्ट का नाम पे, और एंड्रू वा लाइमलाइट में आ गया। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की जानकारी एंड्रू स्कॉट वॉ को दी। एंड्रू स्कॉट वॉ सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एंड्रू स्टॉक वॉ ने 4 वर्षों तक राधानाथ सिकदर की सफलता के बारे में किसी को नहीं बताया। उन्होंने 4 वर्षों तक राधानाथ सिकदर के दावे का आकलन किया और वो आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे कि राधानाथ सिकदर की जानकारी पूरी तरह सही है। यहाँ पर डायरेक्टर होने के नाते एंड्रू स्कॉट वॉ का कर्तव्य था कि वो राधानाथ सिकदर को इसका श्रेय देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड्रू स्कॉट वॉ सर जॉर्ज एवरेस्ट को अपना गुरु मानते थे
और इसीलिए उन्होंने पीक 15 पर्वत शिखर का नाम अपने गुरु के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद ये प्रस्ताव ब्रिटेन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी को भेज दिया गया और इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया गया। यानी राधानाथ सिकदर से माउंटेन एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई मापने का श्रेय छीन लिया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नामकरण एक अंग्रेज के नाम पर कर दिया गया जिन्होंने इसे देखा तक नहीं था। डिस्कवरी ऑफ द हाइट ऑफ एवरेस्ट व्हिच प्रूव्ड दैट इट वाज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड दैट डिस्कवरी वाज मेड बाय राधानाथ सिकदर इन 1856 वन ईयर बिफोर द म्यूटिनी। One point that I would stress is that Bengalis have a history of psychological grievance against Englishmen or other foreigners. In the context of true credit due to the Indians, Radhanath Sikdar was a good example of this. The fact that the mountain was renamed Mount Everest, which displaced its Tibetan name, was after his boss rather than he himself. I mean, Sikdar. आप कह सकते हैं अगर भारत 1852 में एक आजाद देश होता तो दुनिया माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकदर के नाम से जानती। हालांकि ये भी एक बड़ी विडंबना है कि आजादी के 73 वर्षों के बाद भी भारत में राधानाथ सिकदर को उनका हक दिलाने के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं हुई। किसी भी सरकार में इस पर कोई मुहिम नहीं चलाई गई, उनके लिए पुरस्कार नहीं लौटाए गए और न ही कोई आंदोलन हुआ। लेकिन जी न्यूज ने इसके लिए एक मुहिम शुरू की है ताकि राधानाथ सिकदर से लूटा गया श्रेय उन्हें वापस लौटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।